बड़ी कनेक्शन है। दतिया जिला मुख्यालय में किसानों का भुगतान न होने पर गुस्साए किसानों ने कृषि उपज मंडी के सामने बैरिकेड लगाकर चक्का जाम किया। कृषि उपज मंडी में किसानों की उपज नहीं खरीदने से नाराज किसानों ने मंडी प्रांगण में जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, आक्रोशित किसानों ने मंडी के बाहर चक्का जाम कर दिया। किसानों का आरोप है कि वह पिछले 3 दिन से कृषि उपज मंडी प्रांगण में उपज बेचने आए हैं, जिसकी व्यापारियों द्वारा खरीदी नहीं की जा रही है। जाम की सूचना मिलने पर SDM मनोज प्रजापति मौके पर पहुंचे और किसानों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। SDM मनोज प्रजापति ने व्यापारियों की मीटिंग ली और व्यापारियों से किसान की उपज तत्काल खरीदने की बात कही, तब कहीं जाकर किसान शांत हुए। दतिया से राकेश सिंह सिसोदिया की रिपोर्ट। पांडे दरियापुर, हमारा साहब गेहूं उचित मूल्य पर मिलना चाहिए। जो है सारी डबरा दतिया ग्वालियर की मंडी जो है 1922 से जैसे तक बकरी हमारी 1918 से ज्यादा नहीं जाऊ साहब, 1918 अपनी बात रखना चाहते थे, मैंने बातें सुन ली उनकी, उनके बिंदुओं का निराकरण कर दिया है और वापस डाक चालू होगी। अब जाम तो आधे घंटे पहले खुले, कोई दिक्कत नहीं। किसानों का आरोप है कि 3 दिन से उनकी उपज नहीं खरीदा। ये सैटरडे संडे छुट्टी रहती है तो ये उनको जानकारी में नहीं था, इसलिए वो भ्रम में रहने कारण वो समझते, और सवेरे व्यापारी किसी बात को लेकर थे, मैंने उनकी बात सुनकर निराकरण कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। जो सरकार के दावे हैं किसानों को मूलभूत सुविधाएं उनको मंडी में नहीं मिल रही, सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं, सारे सेड है, पाइप पीने की व्यवस्था है, यहाँ कैंटीन चल रही, सारी व्यवस्थाएं चल रही है और निरंतर हम लगे हुए हैं कि किसानों को कोई दिक्कत न होने पाए। किसान हमारे मित्र बंधु हैं, सबसे पहले प्रायोरिटी है उनकी सेवा में लगे हुए। भुगतान नहीं दिया जा रहा सर, सुबह पर्ची बना देते हैं, कहते हैं 8 दिन बाद आना, 10 दिन बाद आना। इन बाधकों को लेकर शिकायत प्राप्त हुई है, इसीलिए मंडी के सभी व्यापारियों से चर्चा हुई है, उन्होंने सुनिश्चित किया है कि समय अनुसार भुगतान किया जाएगा, उसमें कोई विलंब नहीं किया जाएगा।